बिहार में जातीय गणना के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर कल्याण बिघा अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं, जहां गणना कर्मियों को वो अपनी पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। बिहार में आज से जातीय गणना के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर व्यक्तिगत रूप से रुचि ले रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो बढ़ चढ़कर गणना कार्य में हिस्सा ले, जिससे आगे सरकार उन समुदायों उन वर्गों के विकास को लेकर केंद्रित योजनाएं तैयार कर सके जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो मुख्य धारा से दूर हैं। तो नहीं है माने तो हम लोग ऐसे गणना कार्य और अन्य राज्यों के लोगों की भी इच्छा है, तो अगर यहाँ पर होगा और देखेंगे कि बड़ा ठीक से हुआ है तो लोग भी इसी तरह से कुछ करने की कोशिश करेंगे। आरक्षण का जो दायरा सब तो उसके बाद जब एक बार पूरा हो जाएगा तो इन सब चीजों के बारे में जो कहना होगा किया जाएगा, और खास करके जो गरीबी है उसको भी तो देखा जाएगा, सब लोगों के लिए तो मदद किया जाएगा। और अब इसके लिए कोई चिंता लोगों को तो करने का नहीं चाहिए, क्योंकि जो कह रहे हैं काउंट उसके लिए उसकी बनना चाहिए। तब तो इवन अपर कास्ट को भी तो किया नहीं गया, 10% वो तो हो ही नहीं गया है जी। और बाकी लोगों के लिए मैंने समझ लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति और पिछले लोगों के लिए है, जो पिछले औरत के लिए कुल मिला करके है तो 50% के करीब, और 10% अपर कास्ट का हो गया। तो सब हो ही गया था, पूरी जनगणना हो जाए। वो लोग तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग गणना करके बता देंगे ये स्थिति है, करना है नहीं करना वो जाने, लेकिन राज्य को तो अपने हिसाब से जो मदद करनी है लोगों की मदद करेगा। लेकिन अगर एक बार ये हो जाएगा सभी राज्यों में तो ये सचमुच बहुत ही उपयुक्त चीज होगा कि आप जब भी कराइए तो पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करा लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, आपको खुद भी सबको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। आज तो ये सरकार आई उसने तो किया तो उसको तो मान लिया गया सब कुछ हुआ। तो इसीलिए इन सब चीजों के हो जाने से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोगों को भ्रम और बेकार का भ्रम है, ये होना चाहिए जी। सारे देश का ना होना चाहिए, विकसित होना चाहिए सर। पब्लिक इसका अगला स्टेप क्या होगा, 15 मई को जब एक बार कंपाइलेशन और डेटा हो जाएगा उसके बाद पूरा जब हो जाएगा डेटा तो उसको जब हो जाएगा डेटा तो उसको पूरा जब बन के तैयार हो जाएगा तो एक एक चीज उसका जो मुख्य चीज है उसको जरूर किया जाएगा, क्यों नहीं इसको हम लोग करेंगे सार्वजनिक। मतलब थोड़ा सा तो एक एक जगह का लेकर के आएगा और उसके बाद जो पूरा सब चीज देख करके और उसी के आधार पर ना सब कुछ कहेगा, तो उसमें थोड़ा सा तो हल्का फुल्का समय लगेगा, लेकिन वो तो चाहिए, आ ही जाना चाहिए। लेकिन वो सबसे पहले जो हो जाएगा उसको तो हाउस में ही ना रख दिया जाएगा, जो कि उन्हीं गिरा है विधानसभा विधान परिषद में रख दिया जाएगा और उसके बाद सब। सर कई पब्लिक से यहाँ पर हम लोगों ने बातचीत की है सर, लग रहा है कि अवेयरनेस और होना चाहिए, इसलिए कि स्कीम्स के बारे में उन्हें नहीं पता है कि कितना फायदा हो सकता है, इस जनगणना का कितना फायदा हो सकता है जातिगत गणना का। नहीं, वो धीरे धीरे सबको पता चलेगा, आज तो हम बता ही ना रहे, हम लोग का मकसद यही ना है कि सबको आगे बढ़ाना, कोई पीछे नहीं रहे, इसीलिए ना सब कुछ हम लोग करवा रहे हैं। और आप लोगों को हम बार बार कह रहे हैं कि अभी सभी राज्यों में इस तरह की बात होने लगी है, और जब बिहार में इतना हो रहा है तो बाकी सब लोग जानना चाह रहे हैं कि कैसे कर रहा है, तब शुरू हो जाएगा तो सब लोगों को मालूम होगा। तो हम इसलिए बराबर कहें कि बहुत ही ठीक ढंग से करिएगा, जरा भी किसी चीज का गलती नहीं होना चाहिए, पूरे तौर पर सब चीज की जानकारी रखिएगा और सबको बता दिया जाएगा, जानकारी दी जाएगी तो अच्छा रहेगा। सर एक आप दिल्ली में गए थे ऑपोजिशन रियूनिफिकेशन के लिए, आप केजरीवाल जी से मिले, 48 घंटा में उनको सीबीआई ने बुला दिया। अरे देखिए ना, ये सब चीज तो आप जानते ही ना है, जब हो रहा है विपक्षी एकता के लिए, और फिर तो हम तो बात कह ही चुके, जब हम लोगों की बातचीत हो गई कांग्रेस पार्टी सब साथ ही बैठ करके ना बोले, आप भी बोले साथ बैठ कर, अब उनके ऊपर कार्रवाई या जो कुछ भी आप जान ही न रहे कि एक जगह जब सारा अपोजिशन अधिक से अधिक अपोजिशन एक साथ जुड़ने की स्थिति पैदा हो रही है तो जो लोग हैं केंद्र में उनको तो चिंता है ना, इसलिए पता नहीं क्या क्या करेंगे अभी, लेकिन ये सब करने से क्या होगा, होगा तो चुना हुआ ना।
इसीलिए हम नहीं बनेंगे। अरे ये मत नारा, अरे ये नारा मत लगाइए भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। कल भी हम पार्टी ऑफिस में कह चुके हैं भाई मेरा नाम मत लीजिए, इसीलिए कि हम चाहते हैं कि सब लोग मिल करके एक साथ लड़ेंगे चुनाव और मजबूती से आएंगे, और जब एक साथ सारी पार्टियां और सब चीज को सार्वजनिक कर दिया जाएगा, कौन पार्टी कहाँ किन सीटों पर लड़ेगी ये सब डिसाइड हो जाएगा, और एक साथ मिलकर यात्रा पर भी सर निकलेंगे सर, सर यात्रा पर जो होगा परिणाम जनता मालिक है फैसला करेगी। सर यात्रा पर भी निकलने वाला है सर, कब से माना जाए करेंगे ना, इसके बाद तो करेंगे ही ना, अभी तो हम फिर तो गर्वे किए थे, हम 7 महीना वेट कर रहे थे, फिर वहाँ से खबर आई तो गए, बात हो गई है, अब तो आप बिल्कुल हो रहा है ठीक है। अभी हमको भी जिम्मेवारी है कि कुछ लोगों से और बात कर लीजिए और फिर और लोग बात कर लेंगे, सब लोग एक साथ बैठ करके निर्णय ले लेंगे, ये तो कही थी लोग ममता जी से बात होगी सर, बात होगी अभी कहा कि देखिए तो हमारी बात तो धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा। सर मोतिहारी में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत, ये सब चीज तो घटना तो सब जगह, तो मान लीजिए कि अपने बिहार में तो सक्रियता है कि देखी जा रही है, हर तरह से बात हो रही है, लेकिन लोगों को तो गलत काम नहीं करना चाहिए, सबको समझाया जाता है, लेकिन किसी को नुकसान होता है तो देखा नहीं जाता है, कोई किसी का नुकसान हो जाता है तो सबसे सुना ठीक, थैंक यू। आगे मिल लीजिए सर, सांख्यिकी वाला है कोई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुन रहे थे आप, जातीय गणना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव कल्याण बीघा पहुंचे हैं, यहां जातीय गणना की उपयोगिता के बारे में जानकारी साझा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और कहा कि ये बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है इसका उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अन्य राज्य भी इस जातीय गणना की प्रक्रिया में रुचि ले रहे हैं, जातीय गणना से सभी को फायदा होगा, इससे नुकसान का भ्रम फैलाया जा रहा है राजनीतिक कारणों से, जातीय गणना के आंकड़ों से सरकार उन वर्गों उन समुदायों के लिए बेहतर कार्य कर सकेगी जो अभी पिछड़े हैं, जातीय गणना से लोगों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ किया कि इससे लोगों को फायदा होगा, नुकसान की बात भ्रम की बात है जो विरोधी फैला रहे हैं। जातीय गणना की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विस्तार से दी और कहा कि इसके आंकड़े सरकार के लिए बहुत उपयोगी होंगे, समाज के उस वर्ग उस तबके के विकास के लिए जो मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है, गरीब है, अशिक्षित है, अलग अलग जातियों को केंद्रित करके ऐसे समुदायों के विकास के लिए सरकार योजनाएं तैयार करेगी, आंकड़ों का एक फायदा ये होगा। जातीय गणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अन्य राज्य भी इस प्रक्रिया को लेकर उत्साहित हैं, उत्सुक हैं, वो जानना चाहते हैं कैसे ये प्रक्रिया बिहार में की जा रही है जातीय गणना को लेकर। तो वहीं विपक्षी एकजुटता पर भी पूछे गए सवालों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ गोई से जवाब दिया और इस दौरान देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो नारा लगा रहे समर्थकों को हाथ जोड़कर मना करते भी दिखे नीतीश कुमार की, ऐसे नारे न लगाएं, मैं पीएम कैंडिडेट नहीं हूं।